रायबरेली निकाय चुनाव के बाद पहली बार आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। दरअसल ये सभी अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस से बिना सूचना के नदारद रहे। आपको बता दें, निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते संपूर्ण समाधान दिवस पर रोक थी। निकाय चुनाव के बाद शुरू हुए आज पहले ही संपूर्ण समाधान दिवस में महाराजगंज तहसील में जहां डीएम और एसपी समय से पहुंचे, वहीं डिप्टी आरएमओ एई और एक्स ईएन पीडब्ल्यूडी श्रमायुक्त और महाराजगंज विद्युत विभाग एक्स ईएन समेत जल निगम के एक्स ईएन नदारद रहे। डीएम माला श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों का एक दिवसीय वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। डीएम माला श्रीवास्तव ने बताया, आज कुल 80 प्रार्थना पत्र आए थे, जिनमें लगभग आधा दर्जन का त्वरित निस्तारण होने के साथ ही अन्य कई मामलों में टीम गठित कर दी गई। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। मैं क्या कार्ड कर रहा हूँ, आज महाराजगंज में हम लोग का तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कप्तान साहब और मेरे समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लगभग 80 प्रार्थना पत्र आए हैं, उसमें से 7-8 का निस्तारण यहाँ पर हुआ है, जो मौके पर सुन करके पुरानी रिपोर्टों के आधार पर उनकी बात सुनकर निस्तारण किया जा सका। कुछ शिकायतें जमीन पे कब्जा को लेकर के हैं, तो वो मौके पर ही हो सकती हैं, इसीलिए उसमें जॉइंट टीम्स गठित करा के भेजा जा रहा है। आज से लेकर के अगले 7 दिनों के अंदर इन सभी प्रकरणों में गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाएगा। और आईजीआरएस में भी अब हम लोगों ने ये विशेष रूप से कहा है कि समयबद्धता के साथ, अच्छी गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो, ताकि लोगों को राहत मिले, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको हम लोग दूर करा सकें। उच्च अधिकारी मैम नहीं आए, उनको कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पे 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं मौजूद आए हैं, और उनसे संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, ना कोई पूर्व अनुमति थी, तो उनका हम वेतन भी रोक रहे हैं, स्पष्टीकरण कॉल करेंगे, और असंतोषजनक स्पष्टीकरण पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये तहसील दिवस पूरी गंभीरता से आयोजित किया जाना अपेक्षित है और यहाँ पर आने वाले प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को एक दिन ये अवसर मिलता है जब इस क्षेत्र में आकर हम यहाँ की समस्याओं को समझ सकें और उस क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर सकें, तो इसको निश्चित रूप से जो अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। वेतन रोकने और स्पष्टीकरण जी।